हे क्यूरियस, तो आज मैं बनाऊंगी अपने प्यारे से रैबिट ओरियो के लिए प्यारा सा नेक बैंड। तो सबसे पहले मैंने ले लिया थिन कार्डबोर्ड शीट और उस पर फटाफट से ग्लू अप्लाई कर देंगे एंड देन उसको स्टिक करना है कोई से भी पेपर में। मैंने ब्लू कलर का पेपर लिया और अब उसके साइज को भी कट कर देंगे एंड इस तरह से फोल्ड करके स्टिक कर देना। एंड नाउ मैं इसकी बॉर्डर पे इस तरह से लाइन बना रही हूँ। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा सुपर क्लियर, तो मैंने पिंक सुपर क्लियर लिया है और इस तरह से इसको लंबा कर देंगे और उस पर मैं ग्लू से ओरियो लिख रही हूँ। जब तक मैं लिख रही हूँ आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, मेरे लिए नहीं तो कम से कम इस बेचारे के लिए तो कर दो यार। और जब ग्लू से भी ओरियो लिखा जाएगा देन मैं ले रही हूँ सुपर क्लियर और सुपर क्लियर से इस तरह से ऊपर ऊपर करके ओरियो लिख देंगे। और साइड में थोड़ी सी जगह बदली थी तो मैंने ले लिया सुपर क्लियर और मेरे पास रेड नहीं था तो मैंने इसमें रेड कलर कर दिया ऊपर से और साइड में इसको चिपका डालेंगे। नेक्स्ट आपको कोई सा भी बेकार पेपर लेना, मैंने अपना क्वेश्चन पेपर ले लिया क्योंकि इससे बेकार चीज क्या हो सकती है। इसको मैंने फोल्ड करके स्टिक करने के बाद हाफ में कट कर लिया और एक साइड को इस तरह से कट करेंगे और हमने जिसमें ओरियो लिखा है उसके दोनों एंड पे इसे स्टिक कर देना है। मैंने फर्स्ट साइड वाले बैंड पे इस तरह से पेपर स्टिक कर दिया जिससे कि दूसरा वाला बैंड इसमें अच्छे से इंसर्ट हो जाए। लेकिन यार देखो मैंने सुपर क्ले से जो भी लिखा था सब चपटा हो गया क्योंकि क्ले सूखा ही नहीं था, तो फिर से मुझे इसको हटाना पड़ा। उसके बाद फिर मुझे इस पे पेपर स्टिक करना पड़ा, लेकिन इस बार मैंने अपना फेवरेट कलर यूज किया। वैसे मुझे ये जरूर से बताना कि आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा था, पहले वाला या ये वाला। मुझे तो ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है और ओरियो को भी बहुत पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।